आपकी विरोधी खास करके चर्चा कर रहे हैं 1997 और 2000 के मंटू दुबे के दो भाइयों की हत्या की, उनका कहना है कि डेथ डिक्लेरेशन में वो कह कर मरे हैं कि हत्या आपके द्वारा की गई, कोर्ट ने हमको सजा नहीं न किया है, मामला अभी चल रहा है, वो ऐसा कह रहे हैं, लंबित है, चलने दीजिए, जैसा होगा देखा, वो तो कोर्ट से संबंधित मामला है। आप कितना दिन इसको इशू बना कर रखिएगा, कितना दिन, 97 आज 27 वर्ष हो गए, वही इशू है, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। चलिए, लोग कह रहे हैं कि आपका भगवाकरण हो गया, तो ये माना जाए कि भगवाकरण हो गया। देखिए, पहली बात है कि रंग पर किसी को कमेंट करने का अधिकार नहीं है, रंग रंग होता है, चाहे हरा रंग हो या भगवा हो, लाल हो, वो रंग से क्या मतलब है भाई, सवाल आइडियोलॉजिकल प्लैंक का है, आप कौन सा आइडियोलॉजिकल प्लैंक लेते हैं, इस पे बहस होनी चाहिए, बाकी रंग पर बहस होना नहीं चाहिए। अच्छा, अभी किसान आंदोलन चल रहा है कि उसके बारे में क्या सोचते हैं? कहाँ किसान आंदोलन चल रहा है? किसान आंदोलन जो सेकंड दूसरे चरण में लोग किसान विरोध कर रहे हैं, बाकी दिल्ली और आसपास के बॉर्डर्स पे किसान इकट्ठा भी हुए थे कुछ महीने पहले। देखिए, ऐसे तो जो किसानों की जो जायज मांग है उसको सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, और सरकार, मोदी सरकार विचार करेगी भी, ऐसा नहीं है, वो अलग का इशू है, इस पर बाद में बात करें। अभी आपने देखा रमेश सिंह कुशवाहा अपनी बातों को कह रहे थे, इनकी बातें आपने सुनी, भगवा को लेकर के इनके एक पुराना बयान वायरल हो रहा है जिसमें भगवा को लेकर के इन्होंने बातें कही थी, हालांकि आज इनका हृदय परिवर्तन हो गया और भगवा को लेकर के आज सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम लोग भवराजपुर में हैं, आंध्र प्रखंड के, और यहाँ पर रमेश सिंह कुशवाहा भगवा रंग का गमछा ओढ़े चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हालांकि इनके साथ जो इनकी पत्नी है विजय लक्ष्मी देवी वो दिखाई नहीं दे रही हैं। लगातार चुनावी प्रचार, चुनावी अभियान ज़िले में अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। इसी प्रखंड के हैं मंटू दुबे, वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके दो भाइयों की हत्या रमेश सिंह कुशवाहा ने की है, वो मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। और इसी प्रखंड में, आंध्र प्रखंड के ही हैं मंटू दुबे, और इसी प्रखंड में आज रमेश सिंह कुशवाहा का चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है। आप लोग लड़ाई किससे, अवध बिहारी चौधरी से? हम लोग लड़ाई किसी से नहीं है, इस बार हम लोग ये तय कर रहे हैं कि 3 लाख से जीतेंगे कि 6 लाख से जीतेंगे, यह हम लोग तय कर रहे हैं, वो लोग अपने तय करें कि कितना वोट मिलेगा। इसी बात पर अवध बिहारी चौधरी बोलते हैं, रमेश जी ने जब कहा था कि हम जो एकदम जीत रहे हैं, तो अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि भोटवा आप लोग के बगली में है। हाँ है, तो जनता को है, जानते हमको, हमने प्रमाण लिया है, जानते हैं हमको, 3 चुनाव लगातार हर बार अधिक से अधिक वोटों से हम लोग 40,000 से निर्दल जीते थे, 1.25 लाख, फिर ओम प्रकाश यादव जीते थे 1 लाख के ऊपर से, फिर कविता सिंह जीती थी 1.25 लाख से, इस बार डबल होगा कि ट्रिपल होगा यही हम लोग आंकड़ा मिला रहे हैं।